नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्री परिषद की बैठक हुई और इस महत्वपूर्ण बैठक में पीएम मोदी ने कई परियोजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट ली। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार की बैठक में केंद्रीय वाणिज्य उपभोक्ता एवं खाद्य और आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कई परियोजनाओं को लेकर जानकारी दी, साथ ही इनके क्रियान्वयन को लेकर बैठक में प्रेजेंटेशन भी दिया गया। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन परियोजनाओं को लेकर कई निर्देश भी दिया। बैठक के आखिरी दौर में ओपन हाउस सत्र भी रखा गया, जिसमें सरकार के कामकाज को और बेहतर बनाने के मुद्दों पर कई मंत्रियों ने भी अपने सुझाव को प्रधानमंत्री के सामने रखा। दरअसल सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक के अलावा नियमित अंतराल पर इस तरह से मंत्रिपरिषद की बैठक भी बुलाते रहते हैं। कैबिनेट की बैठकों में सिर्फ कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं और अगर किसी मंत्री के मंत्रालय से जुड़ा कोई मामला बैठक के एजेंडे में शामिल होता है तभी उन्हें वहां पर बुलाया जाता है। लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक में तीनों स्तरों के मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल होते हैं। ऐसे में सामान्य भाषा में इसे चिंतन शिविर का नाम दिया गया है, जिसमें जूनियर और नए मंत्री वरिष्ठ और पुराने मंत्रियों से कामकाज का स्टाइल सीखते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री की मार्गदर्शन भी उन्हें मिलता है। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को जिले में पहुंच सकते हैं। बता दें, सीतापुर दौरे पर रहेंगे वो आज और ऐसे में वो सिंधौली के गांधी मैदान पर एक जनसभा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसको लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सोमवार को ही डीएम और एसपी ने गांधी मैदान पहुंचकर तैयारियों को लेकर वहां पर निरीक्षण किया और ऐसे में सीएम योगी के आज जिले में आने के संभावित कार्यक्रम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन महकमे में हलचल तेज हो गई है। बता दें, कल शाम को ही डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी आरपी सिंह सिंधौली के गांधी मैदान पर पहुंचे। वहीं पर हेलीपैड भी बनाया जाएगा और इसको लेकर जगह जगह का निरीक्षण डीएम और एसपी ने किया। ऐसे में सुरक्षा से लेकर अन्य जरूरी पहलुओं पर भी अफसरों से चर्चा की गई और उसके बाद डीएम और एसपी ने कॉलेज परिसर में पहुंचकर बातचीत की। साथ ही बता दें, अफसरों के आदेश के बाद खराब मौसम के बीच नगर पंचायत कर्मियों ने मैदान पर सफाई के साथ हेलीपैड बनवाने का काम भी शुरू कर दिया, जो पूरा हो चुका है। वहीं डीएम और एसपी ने भी एडीएम राम भगत तिवारी, एएसपी अनपी सिंह और एसडीएम संतोष कुमार राय, एससीएमओ सुरेंद्र कुमार शाही, सीओ यादवेंद्र यादव के साथ बैठक कर तैयारियों की चर्चा की। तो आज बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का सीतापुर दौरा है, जहां पर वो जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। दो दिन बाद यानी कि 1 अक्टूबर 2021 से 5 नियमों में बदलाव होने जा रहा है और इसका सीधा असर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ेगा। नए नियमों के लागू होते ही आपको वित्तीय, बैंकिंग और शेयर बाजार से जुड़े काम के तरीके भी बदल जाएंगे। पेंशन जारी रखने के लिए 80 साल और उससे ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों को जिंदा रहने का सबूत जमा करना होगा। वहीं बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों और ऑटो डेबिट के लिए अब ग्राहकों की मंजूरी लेनी होगी। तो वो क्या 5 नियम हैं जिनमें बदलाव होगा, वो एक एक करके अभी आपको बता देते हैं। पहला है पेंशन जमा करने होंगे और जीवन पत्र प्रमाण पत्र। ऐसे में 1 अक्टूबर से 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर 2021 का समय दिया गया है। प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करना होगा। ऐसे में जीवन प्रमाण पत्र पेंशन भोगी के जिंदा होने का सबूत होता है। पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है जहां पेंशन आती है। दूसरा नियम, ऑटो डेबिट ग्राहकों की मंजूरी जरूरी। दरअसल डेबिट क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू होने जा रहा है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक 1 अक्टूबर से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 रुपए से ज्यादा के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों से एडिशनल फैक्टर
ऑथोरिटिकेशन की मांग करनी होगी। इसके तहत डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर मोबाइल वॉलेट से होने वाले ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे। मंजूरी के लिए बैंकों या वित्तीय संस्थानों को 24 घंटे पहले ग्राहकों के पास ऑटो डेबिट का मैसेज भेजना होगा और ऐसे में ऑटो डेबिट अगर सीधा बैंक खाते से होता है तो नए नियम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा, चेक बुक बंद, तीनों बैंकों के ग्राहकों पर असर होगा इसका। दरअसल दो दिन बाद से चेक बैंकों के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक MICR और IFS के फाइनेंशियल कोड सामान्य हो जाएंगे। ऐसे में इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है जो 1 अप्रैल 2020 से ही प्रभावी है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है और इन तीनों ही पूर्ववर्ती बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लाने के लिए कहा गया है। चौथा नियम जो बदलने वाला है 1 अक्टूबर से, वो है वेतन का 10% निवेश जरूरी होगा। दरअसल एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में काम करने वाले जूनियर कर्मचारियों को म्यूचुअल फंड की इकाई में अपने ग्रॉस वेतन का 10% हिस्सा निवेश करना होगा। भारतीय विनिमय एवं प्रतिभूति बोर्ड का इस संबंध में नया नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है। बता दें अक्टूबर 2023 से निवेश की मात्रा को 10 से बढ़ाकर 20% कर दिया जाएगा और डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए निवेशकों को 1 अक्टूबर से अब नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी और अगर कोई इसकी जानकारी नहीं देना चाहता है तो उसे इस संबंध में डिक्लेरेशन फॉर्म भी भरना होगा। पांचवा जो नियम है जो 1 अक्टूबर से लागू होने वाला वो है दिल्ली में निजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। जी हां, 1 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक निजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। नया नियम केंद्र शासित प्रदेशों की एक्साइज नीति के तहत लागू किया जाएगा। इस अवधि में सिर्फ सरकारी शराब की दुकानें ही खुली रहेंगी और 17 नवंबर से निजी शराब की दुकानें भी खुलने लगेंगी। तो ऐसे में ये वो 5 नियम हैं जिनका सीधे तौर पर आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा और ये 5 नियम 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। राजधानी दिल्ली में इस बार भी दिवाली बिना पटाखों वाली ही रहेगी। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 1 जनवरी 2022 तक राजधानी में सभी तरह के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कमेटी ने पटाखों पर बैन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जारी आदेश में पटाखों पर रोक लगाने की वजहें बताई गई हैं। पहली वजह कोरोना को बताया गया है। आदेश में लिखा गया है कि दिल्ली में कोविड की एक और लहर आने का खतरा है। ऐसे में अगर पटाखों को फोड़ने की अनुमति दी जाती है तो लोग इकट्ठा हो सकते हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा। दूसरी और बड़ी वजह प्रदूषण बताई गई है। आदेश के मुताबिक सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है और पटाखों के जलने से ये समस्या और गंभीर हो जाती है। इसके अलावा पटाखों के जलाने से प्रदूषण बढ़ने से कई तरह के हेल्थ से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। आदेश में ये भी लिखा गया है कि पटाखों के जलाने से खतरनाक केमिकल और गैस निकलती है जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है और इससे लोगों को फेफड़ों और दिल से जुड़ी बीमारियां भी होने का खतरा है। इसीलिए पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 1 जनवरी 2022 तक के लिए पटाखों के जलाने और उनकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी 15 सितंबर को ही ट्वीट कर पटाखों की बिक्री, जलाने और भंडारण पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया था। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया था कि दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। दिवाली और पटाखों जलाने से प्रदूषण बढ़ने का दावा सरकार की ओर से किया जाता रहा है। ऐसे में दिल्ली में पिछले 3 साल से पटाखों की बिक्री और चलाने पर रोक लगी हुई है और इस साल भी इस पर रोक लगा दी गई है। हालांकि प्रतिबंधों के बावजूद भी राजधानी में कई इलाकों में कुछ लोग हर साल पटाखे जलाते हुए जरूर दिख जाते हैं।
पंजाब कांग्रेस में सियासी भूचाल अब बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान ने अभी नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस नेतृत्व ने सिद्धू के साथ अपने मसले सुलझाने की बात कही है। कांग्रेस विधायक बाबा हेनरी ने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और जल्द ही मामले को सुलझा दिया जाएगा। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे के विधायकों ने पंजाब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कर ली है। सिद्धू के इस्तीफे के बाद पटियाला में कैबिनेट मंत्री परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा ने सिद्धू से मुलाकात की। ऐसे में कांग्रेस नेता परगट सिंह ने भी मीडिया से कहा कि एक दो मुद्दे हैं, बात हो चुकी है और कई बार गलतफहमी हो जाती है, हम उन्हें हल कर। नेता अमरिंदर सिंह राजा वारिंगी ने कहा कि एक दो छोटे छोटे मुद्दे हैं, आपस में गलतफहमी की वजह से विश्वास टूटा, कोई बड़ी बात नहीं है, कल सारा मसला सुलझ जाएगा। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चंगी ने कल सुबह ही बता दें, माफ कीजिएगा, आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई है। और ऐसे में चन्नी ने कैबिनेट की मीटिंग पहले 1 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन पंजाब में जारी इस्तीफे और राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए चन्नी ने ये बैठक आज ही बुलाई है। उधर सिद्धू के इस्तीफे के बाद उनके खेमे के विधायक और मंत्री भी अपना पद छोड़ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने इस्तीफा दे दिया है। रजिया सुल्ताना को जलापूर्ति एवं स्वच्छता और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिला था। उधर गुलजार इंदर चहल ने भी पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। गुलजार इंदर चहल को पंजाब कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष के रूप में 7 दिन पहले 21 सितंबर को ही औपचारिक रूप से नियुक्त किया गया था, जब चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसके अलावा योगिंदर ढिंगरा ने भी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ एकजुटता दिखाते हुए पंजाब कांग्रेस के महासचिव के रूप से इस्तीफा दे दिया है। वहीं सिद्धू के इस्तीफे के बाद मंत्री रजिया सुल्ताना और राज्य पार्टी के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल के बाद पद छोड़ने वाले ढिंगरा तीसरे कांग्रेसी नेता बने हैं। यानी कि पंजाब कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या सिद्धू को पार्टी मना पाएगी या नहीं मना पाएगी, ये देखने वाली बात है। आईपीएल के 14वें सीजन के 42वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। अबूधाबी में खेले गए इस मुकाबले में पंजाब ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। मुंबई ने 136 रनों के टारगेट को 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। हार्दिक पांड्या 40 और किरण पोलार्ड 15 रन पर नाबाद रहे। दोनों ने 5 विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी की। बता दें मुंबई की ओर से सौरभ तिवारी भी सबसे ज्यादा 45 रन उन्होंने बनाए और ऐसे में पंजाब के लिए रवि बिश्नोई सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 2 विकेट चटकाए और मुंबई इंडियंस की आईपीएल 14 के दूसरे चरण में ये पहली जीत है। बता दें इस मैच से पहले उसे यूएई में लगे 3 मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी। उसके अब 11 मैचों में 10 अंक हो चुके हैं और वो तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गई है। ऐसे में 136 रनों का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी। चौथे ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लगे स्पिनर रवि बिश्नोई ने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को आउट कर दिया। 16 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद सौरभ तिवारी और क्विंटन डिकॉक ने 3rd विकेट के लिए 45 रन जड़े। ऐसे में डिकॉक को शमी ने बोल्ड किया तो वहीं सौरभ भी 37 गेंद पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 45 रन बनाकर एलिस की गेंद पर आउट हो चुके हैं। आगरा जनपद के पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र में तेजी से फैल रहे वायरल बुखार से हो रही बच्चों की मौत के बाद हरकत में प्रशासन आ गया है। बता दें वहां पर जिलाधिकारी पहुंचे और सीएससी और बाल परिसर कार्यालय का निरीक्षण किया और फैल रहे वायरल बुखार को रोकने की तैयारियों का जायजा लेकर अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि पिनाहट ब्लॉक क्षेत्र में लगातार वायरल बुखार के चलते अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है, जिसको लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी
आगरा प्रभु नारायण सिंह पिनाहट कस्बा पहुंचे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया। वहीं अचानक जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य केंद्र और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। जिलाधिकारियों को आता देख समूचा विभाग विधिवत कार्य करता रहा और ऐसे में जिलाधिकारी ने बुखार के लिए स्वास्थ्य विभाग की चल रही तैयारियों का जायजा लिया। वहीं सीएससी प्रभारी पिनाहट डॉक्टर विजय कुमार को गांव गांव कैंप लगाने के निर्देश दिए गए और साथ ही कहा गया कि गंदगी की रोकथाम और मच्छरों को ना पनप पाए, जिसके लिए एंटी लार्वा दवा छिड़काव करने के निर्देश भी दिए। वहीं करीब 20 मिनट तक सीएससी पर जिलाधिकारी ने रुककर ओपीडी पर दवा ले रहे मरीजों से भी बातचीत की और उनसे हालचाल पूछा और साथ ही कहा कि डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए और साथ ही जल्द से जल्द और अच्छा इलाज मरीजों का करने के दिशा निर्देश जिलाधिकारी ने डॉक्टरों को भी दिए हैं। आगरा में मार्ग सेवा समिति और वीडीओसी के सौजन्य से निशुल्क टेली मेडिसिन हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। ये आयोजन आगरा लोहा मंडी क्षेत्र के स्मृति भवन में हुआ। ये हेल्थ कैंप 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलने वाला है। बता दें, इस टेली मेडिसिन हेल्थ कैंप में निशुल्क चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिया गया। आगरा में ये टेली मेडिसिन प्रक्रिया पहली बार की गई है। ऐसे में आगरा के स्मृति भवन में वीडीओसी के स्टाफ द्वारा मशीनों से चेक कर वरिष्ठ चिकित्सक जो कि आगरा से बाहर सेवाएं देते हैं उनसे परामर्श दिलाया गया। इस कैंप में कई मरीजों ने अपना चेकअप कराया और इस कैंप का उद्घाटन आगरा की वरिष्ठ समाज सेविका और बीजेपी नेत्री डॉक्टर वीना नवानिया द्वारा किया गया। हेल्थ कैंप दिल्ली की टीम ने लगाया। हम लोग बहुत सौभाग्य महसूस कर रहे हैं कि आज ही आगरा में कैंप लगा है, जिसके द्वारा यहाँ के निवासियों को इसकी सुविधा ले पाएंगे। ये नई 21वीं सदी का, मैं बोलूँ 21वीं सदी की जो जरूरत है डिजिटलाइजेशन और वर्चुअल, जिसके द्वारा ही जिसका संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लिया हुआ था। कल आपने देखा होगा जो हमारी आयुष्मान भारत स्कीम है, योजना है, उसको भी डिजिटलाइजेशन के लिए कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत बड़ी घोषणा की। उसी के तहत ये वर्चुअल माध्यम से यहाँ पे जितने लोग आए हैं उन लोगों का चेकअप होगा और डॉक्टर्स अपने परामर्श देते हैं। किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा रही है जी? ये वर्चुअल एंड डिजिटलाइजेशन दोनों ही है। आप देखिए, वर्चुअल तो माध्यम है और डिजिटलाइजेशन ये है कि सारे जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो दिखाते। यूपी के कुशीनगर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति को 2 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। समापन सत्र में पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में हुंकार भरी। उन्होंने एक तरफ भारत और भारतीय संस्कृति में अनुसूचित जनजाति को महत्वपूर्ण बताया तो वहीं दूसरी तरफ पिछली सरकार में इनकी उपेक्षा पर भी सवाल उठाए। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासी, वनवासी, गिरवासी ये समाज, संस्कृति एवं प्रकृति के संरक्षक और भारत और भारतीयता की पहचान है। भगवान श्री राम ने अपने साथ समय बिताया और आपकी बदौलत विजय प्राप्त किया और राजा के परज्ञाता पुरुषोत्तम राम बने हैं, तो ये सभी आपकी बदौलत है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में अनुसूचित जनजाति के लोगों का समाज में जगह जगह अपमान, तिरस्कार और इनकी विविधता को तार तार करने का काम किया गया है। पूर्ववर्ती सरकारों ने इनकी अनदेखी किया और जिसके चलते इनका विकास नहीं हो सका। यहां तक कि कुछ षड्यंत्रकारी ताकतों ने धर्मांतरण कराकर इनको भ्रष्ट करने का भी काम किया है, लेकिन बीजेपी की सरकार में इनको उचित सम्मान मिला है। और इस कार्य समिति की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य समितियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है जो राज्य और देश के लिए काम करते हैं। बता दें, इससे पहले भी कुशीनगर में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत उनका किया और जोरदार स्वागत किया। तो कुशीनगर स्थित एक निजी होटल में 2 दिनों तक चलने वाले बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में पहले दिन प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा था। एक बार विषय मेरे पास आया है, इसको मैं देखवाऊंगा।
और क्या कठिनाई या किस प्रकार की कठिनाई आ रही है, इस समस्या का समाधान हो। अच्छा, अखिलेश अखिलेश ऊपर का तरीके से कह रहे हैं कि 400 से ऊपर से जाए, क्या माना जाए, कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस? देखिए, आप उनसे बात करते रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ताओं के दम पर चलने वाली पार्टी है। ये पार्टी वंशवाद नहीं है, परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं। इस पार्टी का बूथ अध्यक्ष भी देश का नेतृत्व करता है और भारतीय जनता पार्टी और विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और राज्य के कानून व्यवस्था के नाम पर चुनाव। सपा बसपा का आपने कानून व्यवस्था देखा है राज्य के, क्या स्थिति थी 4.5 साल पहले? बम गिरते थे, बम फटते थे। आदरणीय योगी शासन में आने के बाद राज्य के अंदर एक बम भी फटा नहीं और एक दंगे भी नहीं। तो कानून का राज है और कानून के राज जिस राज्य में होता है उस राज्य को पूरी दुनिया सम्मान करती है और वहाँ निवेश आता है, लोगों को रोजगार मिलता है। आपने नियुक्तियाँ देखा, 4.5 लाख की नियुक्तियों में एक भी सूची नहीं गई, न संगठन का ना वह पारदर्शी नियुक्तियाँ हुई, एक रुपया का भ्रष्टाचार नहीं। मतलब स्टेशन पर एक कुली दौड़ कर आता है, कहता है भाई साहब योगी जी को बधाई दे देना, मेरी बेटी सिपाही में भर्ती हो। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के स्थानीय संक्रमण और देश में बीमारी के सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बने रहने के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी कोविड-19 नियंत्रण उपायों को मंगलवार को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखी चिट्ठी में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने चेताया कि आने वाले त्योहारों के मौसम में कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करना चाहिए और इसका अंदेशा है कि जिससे संक्रमण के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी आने के बावजूद भी दिशा निर्देशों को लागू करना अहम है ताकि त्योहार को सावधानी, सुरक्षित तरीके से और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ मनाया जा सके। भल्ला ने कहा कि कोविड के दैनिक मामलों और मरीजों की कुल संख्या देश में तेजी से कम जरूर हो रही है, लेकिन चंद राज्यों में स्थानीय तौर पर वायरस का फैलाव हो रहा है और देश में कोविड-19 सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। पत्र में कहा गया कि उन कार्यक्रमों में काफी सतर्कता बरती जाए जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे ताकि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका से बचा जा सके। उसमें कहा गया कि मेलों, त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों में बड़े माने पर लोगों के जमा होने से देश में कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं। गृह सचिव ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहां पर हर जिले में एक संक्रमण दर और अस्पताल और आईसीयू में बिस्तरों की संख्या पर करीब से निगाह रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में संक्रमण दर ज्यादा है वहां पर भी संबंधित प्रशासन को अति सक्रिय उपाय करने चाहिए ताकि मामलों में कमी आ सके और वायरस के फैलाव को काबू में किया जा सके। हरिद्वार पहुंचे गुयाना के राजदूत चरण दास प्रसाद ने श्री दक्षिण काली मंदिर में पूजा अर्चना की और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरीश महाराज से आशीर्वाद लिया। इस दौरान राजदूत चरण दास प्रसाद ने स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज को भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर विश्व शांति की कामना भी की। वहीं स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने राजदूत चरण दास प्रसाद की को माँ की चुनरी और नारियल भेंट कर आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से पूरी दुनिया के लोग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुयाना और भारत की संस्कृति में कई समानता हैं, दोनों देशों के आपसी संबंध काफी मजबूत हैं। उन्होंने कहा कि गुयाना के राजदूत चरणदास प्रसाद धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, माँ दक्षिण काली और गंगा मैया की कृपा से वो सफलताओं के नए आयाम प्राप्त करेंगे। आज रिपब्लिक ऑफ गायना के एम्बेसडर हमारे चरण प्रसाद जी आए हैं और वहाँ के लोकसभा मेंबर भी हैं, एमपी भी हैं, तो बहुत धार्मिक हैं। माँ भगवती काली के दर्शन करने आए और माँ का आपने दर्शन किया। आज राजेंद्र दास जी महाराज जन्मोय अखाड़ा और सभी पूज्य संतों ने आपको आशीर्वाद दिया। आप बहुत सरल हैं, सौम्य हैं और अपने देश की परंपराओं को लेकर के, क्योंकि आपने देखा जो मोमेंटो आपने दिया, आपके देश की मोमेंटो लॉर्ड कृष्ण है, भगवान कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण को आपने भेंट किया और मुझे लगता है कि जो गायना कंट्री है वो एक हिंदू कंट्री है और वहाँ पूरी कल्चर हिंदू परंपरा से संबंधित है, पूरी परंपरा हिंदुत्व की विचारधारा की है और आप वहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं भारत में। भारत में आप
एम्बेसडर भी हैं और वहाँ के लोकसभा मेंबर भी हैं। तो आज आप भगवती काली के दर्शन करने हरिद्वार आए, अभी आपने माँ का दर्शन किया, अभी आप हमारे साथ भोजन प्रसाद लेंगे और उसके पश्चात जो है हम कुछ उस कंट्री को लेकर के और अपने भारत को लेकर के हम आपस में कुछ बात करेंगे, जिससे कि देश की संस्कृति और देश का संस्कार बचा रहे, क्योंकि जो गायना कंट्री है वो निसंदेह 100% सनातन परंपराओं से संबंधित कंट्री है। तो मैं भगवती माँ गंगा से, माँ काली से और महादेव से प्रार्थना करूँगा कि उस देश में सारे प्रकार की वृद्धि हो, उस देश की यश बढ़े, देश का सम्मान बढ़े और एम्बेसडर साहब और लोकसभा मेंबर चरण प्रसाद जी बहुत सरल हैं, सौम्य हैं, तो इनकी जो सहजता है वो भारतीय संस्कृति से लेकर के वहाँ आप जाएं और सनातन संस्कृति का एक वहाँ जो ओतप्रोत संदेश है उस गायना कंट्री को प्राप्त हो। और इसी के साथ गुड मॉर्निंग इंडिया में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।